हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो हमारा जो संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद एक में कहा गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद एक में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान दिया गया है। तो फ्रेंड, जो भाग दो है, भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11, ये इसमें क्या दिया गया है, नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान दिया गया है। तो नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 भाग अगर आपसे पूछे तो किस भाग में है, तो भाग दो में है, भाग दो में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा जो हमारा भारतीय संविधान है नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो मूल अधिकार हमें कहाँ से प्रदान करता है, किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। कहाँ से, 12 से 35, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाग कौन सा है, तो भाग तीन, भाग तीन में हमें मूल अधिकार दिए गए हैं। किस में, तो भाग तीन में, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थान में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो कि अधिकार को प्रदान करता है। तो फ्रेंड, जो नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं के समाज में कमजोर वर्ग को जो केंद्र सरकार संविधान को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन, जो राष्ट्रपति के पद है उसको पुनः निर्वाचित करने की योग्यता को कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 57 में प्रावधान है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन संबंधित जितने भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 57 में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार की गारंटी दी गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिली है, तो अनुच्छेद 19 में दी गई। किसमें, अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई फ्रेंड, यह 19 का ये बोल सकते हैं, या 19 का का में दी गई, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का वन में दी गई है। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान में, तो अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है।
तो अल्प हितों के संरक्षण की व्यवस्था किसमें दी गई? अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 जो है ये क्या करता है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा, ये अभी आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है? तो किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको दिया गया है, वो दिया गया 36 से 51 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 में हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है अनुच्छेद 39 में दी गई। किसमें? अनुच्छेद 39। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश जो होता है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें आता है? तो अनुच्छेद 40 में होता है। किसमें? अनुच्छेद 40। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य हमें कहाँ पे मिलेंगे? तो अनुच्छेद 51 ए में है। किसमें? अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 51 ए हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो संघ की जो कार्यपालिका होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद किसमें? 53 में दिया गया, अनुच्छेद 53 में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 61 में हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 कहता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कौन सा? 20वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 63 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो मंत्रीगण हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो ये अनुच्छेद हमारा हो जाएगा 74। कौन सा? अनुच्छेद 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 74। आगे बढ़ते हैं हम, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत का में एक महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होगा? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री की सलाह से उसको लोकसभा को भंग कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा में जो संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान है यह अनुच्छेद 108 में दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त ज्वाइंट मीटिंग जो होती है इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया है? तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा धन विधेयक का, तो अनुच्छेद 110 में दिया गया, इसमें 110 में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।